और एक जो अपडेट है वो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के हवाले से है, और एक और अपडेट जो मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के जो सप्ली और इम्प्रूवमेंट वाले या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्टूडेंट्स थे या जो प्राइवेटली जो एडमिशन जिन्होंने भेजा था उसके हवाले से है। तो ये तीनों की जो अपडेट है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा आज इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि एक तो अपडेट बच्चे ये थी कि लास्ट टाइम जो है मैंने इस पर वीडियो भी बना के अपलोड की थी कि मैट्रिक और इंटर के जो इम्तहानात थे जो एग्ज़ाम थे हमारे जो वज़ीरे तालीम हैं शफकत महमूद साहब शफकत मिर्ज़ा साहब जो थे इन्होंने जो एक बात ट्वीट किया था और उन्होंने कहा भी था कि एग्ज़ाम जितने भी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स हैं इनको जो है मनसूख कर दिया गया। लेकिन इस पे जो है काफ़ी सारे सवाल पैदा हो गए कि अगर तो मैट्रिक के इम्तहानात नहीं होंगे अगर टेंथ क्लास के जो वो तो खैर हो गए थे और उसके प्रैक्टिकल कोर्सेज कुछ रहता था, अब नाइन्थ के जो पेपर्स कुछ हुए थे दो पेपर्स आई थिंक सो हुए थे बाकी जो पेपर्स थे वो नहीं हो सके, तो हमें ये सवाल आगे कुछ दिनों में कि यार कुछ बच्चों के जो नाइन्थ के एग्ज़ाम्स अभी हो रहे थे वो किस बुनियाद पर आगे टेंथ क्लास में आ जाएंगे, अगर तो इनको फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर पास कर दिया जाए पास तसव्वुर किया जाए तो कल को जब मैट्रिक का इम्तहानात का जब रिजल्ट कार्ड बनेगा तो वहाँ पर किस बुनियाद पर जो है वो नाइन्थ के सब्जेक्ट्स के नंबर लगाए जाएंगे। यानी कि अगर टेंथ में अगर वो बच्चा बायो का पेपर देता है केमिस्ट्री का पेपर देता है फिजिक्स का पेपर देता है तो उसके जो टेंथ के जो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के नंबर तो वो ले लेगा, लेकिन नाइन्थ में जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का होगा उनके वो जो वहाँ पर जो नंबर लगेंगे वो किस बुनियाद पर लगेंगे, एक तो सवाल ये था, एक तो ऑब्जेक्शन ये था। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि जो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो जिनकी जो सप्ली आ चुकी है नाइन्थ में या जो कह लें कि जिनकी नाइन्थ में सप्ली थी और उस सप्ली को इम्प्रूव कर रहे थे तो उनके जो नंबर्स हैं वो किस बुनियाद पर लगेंगे। तीसरा ऑब्जेक्शन ये आ रहा था कि जो सेकेंड ईयर में के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट ईयर में जो सप्ली है वो किस तरीके से आगे प्रमोट किए जाएंगे, यानी कि सेकेंड ईयर के पेपर जिन्होंने अभी देने थे लेकिन उनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आ चुकी थी तो उनको जो है वो किस लिहाज किस तरह से पेपर देंगे। सो ये दो तीन ऑब्जेक्शन थे और सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी वालों के हवाले से था कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो पेपर्स कैसे देंगे जो अभी उनका जो है वो ऑड सेमेस्टर कुछ यूनिवर्सिटी में चल रहा था और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो था वो इवन सेमेस्टर चल रहा था आई थिंक सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो लास्ट सेमेस्टर भी था, तो इस हवाले से जो था काफ़ी एक कन्फ्यूजन जो थी वो क्रिएट हो रही थी आप सबके जहनों में। तो आज अपडेट मौसूल हुई तो मैंने सोचा कि उन आप सबसे शेयर की जाए। तो अपडेट बच्चे ये है कि जो नाइन्थ और टेंथ के हवाले से जो चीज़ डिस्कस की गई है आज मीटिंग हुई है और आज मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया है कि 80% स्टूडेंट्स को 80% बोर्ड्स को और 80% लोगों की राय ये है कि जो प्रमोट करने का जो डिसीजन आपने लिया है वो बिल्कुल ठीक है, यानी 80% स्टूडेंट इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हमें बगैर एग्जाम्स के अगर आगे प्रमोट कर दिया जाए तो हमें कोई भी जो है वो गिला नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ 20% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने गिला किया है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन 20% स्टूडेंट में के जो कैटेगरी जो बताई गई है वो एक तो इम्प्रूवमेंट्स वाले बच्चों की है सप्ली वाले बच्चों की है, तो इस बारे में मजीद जो हतमी फैसला होगा वो 15 मई को मुतवक्के किया जा रहा है। इंशाल्लाह 15 मई को जो भी अपडेट होगी उस हवाले से मैं मजीद आपको आगाह करूँगा, लेकिन आप एक बात जहनों में डाल लें कि जो नाइन्थ क्लास के जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल यानी गवर्नमेंट अदारे से जा चुका है वो तो अपने आप को 100% किस में समझे टेंथ क्लास में समझे। अब रही बात कि नाइन्थ में नंबर्स किस बुनियाद पे दिए जाएंगे तो बेटा वो जो टेंथ क्लास में आप लोग जो पेपर बायो का दोगे जो केमिस्ट्री का दोगे जो फिजिक्स का दोगे उन्हीं के नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे किस उन्हीं के नंबर को कंसीडर किया जाएगा किसमें नाइन्थ क्लास के अंदर। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुत्र टेंथ क्लास में अब आप लगा दो पूरा जोर अब आप कर दो पूरी मेहनत क्योंकि यहाँ पर होना क्या है कि एक तीर से आपके दोषकार होने हैं कि आपके जो टेंथ के नंबर्स होंगे वही किसमें कंसिडर किए जाएंगे नाइन्थ क्लास में जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह जो है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का होगा कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अभी जो सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे यानी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस साल पेपर देने थे और अब वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं वो क्या करेंगे वो सेकेंड ईयर के जो नंबर्स होंगे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के उन्हीं नंबर्स को वो किस में एडजस्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में जो है वो उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि पुत्र इस दफ़ा जो है मेहनत आप ज़्यादा करें ज़्यादा आपके पास कह लें कि
एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जितना मेहनत आप एफएससी पार्ट टू में करेंगे उन्हीं उसका मुआवजा आपको पार्ट वन में भी दिया जाएगा।